देखिए इसमें बाप निकलता है, इसको हमने वातर हीटर बनाया, बहुत ही आसान है, कोई भी इसे घर पर ट्राई कर सकता है। और देखिए हम अब टेस्ट करते हैं, करंट भी नहीं देता है, ये बहुत अच्छा बना है और गर्म पानी भी देता है अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपको ऐसा ही कोई भी डिब्बा लेना है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल बटन दबाओ ताकि अपडेट पहले आपको मिले, और मेरी वीडियोस को शेयर करो। अब आपको ऐसा ही एक नलका लेना है, आपको हार्डवेयर शॉप से ये नलका लाना है, उसको बोलना है जो ड्रम में नलका लगता है वही वाला लाना है आपको। अब हम इसमें छेद करेंगे जो कि गैस पर हम लगाएंगे। आप कुछ भी पाइप का टुकड़ा ले सकते हैं जो कि मैं पुराना नल ले रहा हूँ। अब हमें इसको बहुत गर्म करना है, फिर ये अच्छे से छेद करेगा इसमें। देखिए अब हम इसमें छेद करके आपको दिखाएंगे, ये इसमें अच्छे से नहीं आ रहा है क्योंकि ये कम ही गर्म हुआ है। अब हम इसमें अच्छे से छेद, ये मैंने और गर्म किया, अब हम इसमें अच्छे से छेद, देखो अच्छे से छेद भी हो गया। अब हम इसमें नल लगा के आपको दिखाएंगे कैसे लगेगा। आपको ये टाइट लगाना है वरना ये लीक भी कर सकता है। ये नल जो है आपको नल से ही मिलेगा। अब हम इसको पीछे से अच्छे से टाइट करेंगे। देखिए अब हमने इसको बहुत टाइट कर दिया बंद। अब इधर हमको एक वायर लेना है जो कि बहुत मोटी है, आपको कोई भी वायर ले सकता है कॉपर की, ये हमने पुरानी तारों से निकाला है उसमें से। अगर आपको मोटी वायर नहीं है तो आप ऐसे ही वायर ले सकते हैं जो भी घर में हो पुरानी, उसमें कॉपर की ही वायर होनी चाहिए और बहुत सारों को आपस में मिलाना है। और इस तरीके के आपको दो बनाने हैं इसी सेम तरीके से। अब आपको इसी सेम तरीके से इसमें दो छेद करने हैं, एक इधर करना है, आप किसी से भी ड्रिल मशीन से भी कर सकते हैं। अब आपको इसी तरीके से वायर लगाने हैं इसमें, ये आपस में टच नहीं होने चाहिए। इसमें यही वायर जोड़ना है जो स्विच में लगेगा बाहर, इसमें अच्छे से टाइट जोड़ने हैं क्योंकि बाद में निक लेना। अब आपको इधर MC लेना है और इसमें दो पैकेट निकलते हैं और आपको इसको आपस में मिला लेना है, अच्छे से मिलने चाहिए, फिर ये अच्छे से वर्क करता है। हमने इसको अच्छे से मिलाया है, अब हम इसको लगाएंगे, इससे अच्छे से बंद होगा कि एकदम जम जाता है एक दिन के बाद। आपको MC लगाने के बाद एक दिन का वेट करना है इधर, और फिर आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो हमने ऊपर से भी अच्छे से MC लगाया और इसमें वायर दिखने नहीं चाहिए क्योंकि उधर से करंट भी मार सकता है, इसलिए आपको इसे अच्छे से ही लगाना है। इसमें पानी ऐड कर रहे हैं, तब तक आप देखिए एंजॉय करो वीडियो को। देखिए अब हमने इसमें फुल पानी भर के रख दिया, ये आपस में मिलने नहीं चाहिए। अब हम इसमें स्विच लगाएंगे, अब देखेंगे ये वर्क कैसे करता है। 4 घंटे हो गए, अब हम इसमें देखेंगे कितना गर्म हो गया है। देखिए इसमें बाप निकलता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और
प्रेस बटन दबाओ ताकि अपडेट पहले आपको मिले। अब हम इसमें करंट भी देखेंगे, देखिए ये करंट नहीं मारा, हम इसने स्विच लगाया है फिर भी ये करंट नहीं मारा।